नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का किया अवलोकन। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है एक्सपो, 3 फरवरी तक चलेगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। देश की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो मोबिलिटी क्षेत्र के विकास और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों से लोगों को रूबरू कराएगी। एक्सपो में 28 वाहन निर्माता भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के बढ़ते वाहन बाजार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में पैदा हो रहे नए अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र का जबरदस्त विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी आय और जीवन स्तर में सुधार से मोबिलिटी सेक्टर में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबिलिटी क्षेत्र से विकास के लिए उन्होंने पहले से ही अपने पहले कार्यकाल में ही कई बड़ी पहल की। प्रधानमंत्री ने कहा उनके द्वारा दूसरे कार्यकाल में दायरा और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में इस दिशा में बड़े प्रयासों की बात कही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कहा कि 10 साल पहले तक भारत गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने चर्चा का प्रस्ताव रखा। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नौकरियों में कटौती का मुद्दा उठाया, जिस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक राजनीति करता है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद हिना गावित ने कहा कि आज महिला अधिकारों के संरक्षण के जरिए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद द्वारा देश के विभाजनकारी बयान देने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि वे इन विभाजनकारी बयानों की क्यों निंदा नहीं कर रहे। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश विभाजन को लेकर कांग्रेस नेता के बयान पर सोनिया गांधी से कार्रवाई करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कड़ी आलोचना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये मेला 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 40 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की सराहना करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेला कला प्रेमियों को जोड़ने का अच्छा मंच है। उन्होंने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे शिल्प कलाकारों ने हमारे देश की शिल्प कला को संजो कर रखा है। रांची में सियासी गहमागहमी के बीच जेएमएम उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की, 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि वो झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड के सभी वर्ग समुदाय के लिए काम करेगी। झारखंड में भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर कहा कि वे भले ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण सोरेन परिवार के हाथ में रहे। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 3 वर्षों में झारखंड को लूटा है और भूमि घोटाला, खनन घोटाला, निजी पट्टा और अन्य घटनाएं सामने आई हैं। अब इसे जनता को सच्चाई बताने के बजाय इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा फूट गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बड़ी पारदर्शिता के साथ काम होता है,
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। 3 फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी दी। 5 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की उम्मीद है। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि हम सभी काफी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित होने के लिए रखेंगे। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए जिला अदालत द्वारा अनुमति दिए जाने के फैसले को लेकर वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बंद रखने की अपील की थी, लेकिन वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका मामूली असर देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा में करीब 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार पीएम बनना तय है। पीएम मोदी को चुनने के लिए देश के युवा, गरीब और महिलाएं एकजुट। चावल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने आम लोगों को सस्ती कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के मकसद से भारत राइस की बिक्री शुरू करने का ऐलान किया है। ये चावल 29 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकेगा। भारत राइस 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में उपलब्ध होगा। चावल का स्टॉक शुरू में ही किसानों को सहकारी संस्था नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी एजेंसियों द्वारा खुदरा बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि चावल के खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर्स ने कहा है कि वे अगले शुक्रवार से अपने स्टॉक होल्डिंग्स का खुलासा करें। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3,32,465 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसका अनुमानित परिव्यय 3.01 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.38% अधिक है। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आगामी वित्त वर्ष के लिए कर दरों को अपरिवर्तित रखने और कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2030 तक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 42% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा मंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में संपन्न हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए 5वां समन जारी किया, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी 3 जनवरी 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम को समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जारी किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। ईडी के बार बार समन भेजने के बाद भी हाजिर न होने पर शाहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल बार बार एक ही राग अलापते हैं।
भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में भूमि विवाद के कारण हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे प्रकरण में जांच में पता चला कि 2 पक्षों के बीच भूमि का विवाद था। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में 51वें राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाई है, उनके पास प्रगतिशील विचार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदार द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन के खिलाफ विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत उल्लंघन का मामला दर्ज किया और उनके परिसरों की तलाशी ली। अमन बिरादरी पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हर्ष मंदार पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य थे। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अभिनेता से राजनेता बने सीमन के नेतृत्व वाली थमियार पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक की। सर्वेक्षण पोत संध्या को भारतीय नौसेना में शनिवार को शामिल किया जाएगा। इसे रणनीतिक जलमार्गों पर नौसेना के निगरानी तंत्र को मजबूती मिले। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लगातार मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि दिन में कई जगहों पर धूप भी खिलने से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे से रेल और वायु यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देर से चलती रही। घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता में कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में काफी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग का इलाका सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग इस समय सबसे ज्यादा गुलजार है। लोग यहाँ परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें सुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना जारी है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में व्यास परिवार को जिला अदालत द्वारा पूजा करने का अधिकार दिया गया। इस पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जो खारिज हो गई। अब उन्होंने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का फैसला किया। इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी और वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुझान के बीच स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 440 अंक की बढ़त के साथ 72,085 के अंक पर बंद हुआ।
वैश्विक बाजार में मजबूती के कारण निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला। निफ्टी 156 अंक की बढ़ोतरी के साथ 21,854 पर बंद। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 7 पैसे की तेजी के साथ 82.91 रुपये प्रति डॉलर पर बंद। वैश्विक बाजार में मजबूती के संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 200 रुपए की बढ़त के साथ 63,650 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पिछले सप्ताह के अंत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 59.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 616 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी यह हमेशा की तरह काम करता रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक पोस्ट में विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी पूर्ण अनुपालन के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के प्रति लोगों को आगाह किया है। आरबीआई ने ग्राहकों को किसी भी अज्ञात इकाइयों के साथ दस्तावेज साझा न करने की सलाह दी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के दौरान इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के विनिर्माण और उपयोग के लिए व्यापक सुरक्षा दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया। एनटीपीसी लिमिटेड संकट में फंसी 1,800 मेगावाट क्षमता की केएसके महानदी थर्मल परियोजना के लिए बोली लगाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने ये जानकारी दी। फिच रेटिंग्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय घाटे में तेज गति से कमी होने के कारण देश में मध्यम अवधि में ऋण जीडीपी अनुपात को स्थिर करने में मदद मिली। वित्त वर्ष के तीसरे तिमाही के दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा का राजस्व सालाना आधार पर 25% बढ़कर 40.11 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का नेट मुनाफा बढ़कर 7,025 करोड़ रुपये हो गया। हाल ही में कंपनी द्वारा एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में ये बात सामने आई। अमर ज्योति बरुआ को महिंद्रा ग्रुप ने अपना मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बरुआ 17 मई से कार्यभार ग्रहण करेंगे। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऑटोनॉमस रोबोट के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश करने की इच्छा जताई है। हाल ही में एक पोस्ट में आनंद महिंद्रा ने कहा कि कोई ऑटोनॉमस रोबोट के लिए स्टार्टअप की शुरुआत करने की सोच रहा है तो इसमें निवेश करने को लेकर इच्छुक है। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में 2023-2024 के अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान थर्मल पावर प्लांट को 50.9 करोड़ टन कोयला आपूर्ति की है। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 4.7% अधिक। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि शेयरधारक समझौते के तहत निवेशकों के पास सीईओ या प्रबंधन में बदलाव का कोई मतदान का अधिकार नहीं है। कंपनी बायजू ब्रांड के नाम के तहत काम करती है। यूक्रेन को 50 अरब यूरो की सहायता देने पर सहमति बनी और इसके एक दिन बाद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि समझौते के दौरान उन्होंने देश के हितों की रक्षा करने की अंतिम हद तक कोशिश की।
जॉर्डन में अपने 3 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर हमले की तैयारी की। रिपोर्ट्स की बात करें तो वाशिंगटन ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले की योजना को मंजूरी दी। ईरान सरकार पर अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाले समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के आतंकवादियों के वित्त पोषण के गंभीर आरोप हैं। कुछ दिन पहले ही समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। दक्षिण कोरिया की सेना ने एक बयान में कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से कई क्रूज मिसाइलें दागी। सेना का कहना है कि कुछ ही दिनों के अंतराल में चौथी बार प्योंगयांग ने ऐसी मिसाइलें लॉन्च की। मलेशियाई क्षमा बोर्ड ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की जेल की सजा को आधा करने का फैसला किया है। घोटालों के आरोप में जेल में बंद रजाक फिलहाल 12 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 336 रन बनाए। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया। दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर ने विशाखापट्टनम टेस्ट में अपना सीनियर डेब्यू किया। 20 वर्षीय शोएब बशीर ने अपना पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में लिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सुपर सिक्स में नेपाल के खिलाफ मैच में भारत की तरफ से 2 शतक देखने को मिले। भारत के लिए उदय सहारन और सचिन दास ने शतक लगाए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की आज से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरुआत हो गई। लेह में इन खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन पर 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के साथ मैनयू लीग में 7वें स्थान पर आ गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने कहा कि वोल्वर्स के खिलाफ मैच को लेकर उनके अंदर मिलीजुली भावनाएं थी। उन्होंने कहा कि 2 गोल की बढ़त गंवाने के बाद से वे बेहद नाराज हैं, लेकिन अंत में उनकी टीम मैच जीतने में कामयाब रही। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम को बोर्नमाउथ के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ का संतोष करना पड़ा। बोर्नमाउथ ने 3रे ही मिनट में बढ़त बनाई। वेस्ट हैम की तरफ से 61वें मिनट में बराबरी का गोल हुआ। स्पेनिश फुटबॉल लीग लालीगा में रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से हराने में सफलता पाई। रियाल के लिए दोनों गोल जोसेलू ने किए। इन दोस्ताना मुकाबले में रोनाल्डो के क्लब अल नस्र ने मैसी के क्लब इंटर मियामी पर 6-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में मैसी केवल 7 मिनट के दौरान मैदान में उतरे, वहीं रोनाल्डो चोट के कारण मैदान में नहीं उतर पाए। चेल्सी के स्ट्राइकर अर्मांडो ब्रोजा बाकी बचे 17वें फुलहम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। फुलहम ने उन्हें लोन पर टीम में शामिल किया। लुई हैमिल्टन 2024 के सत्र की समाप्ति के बाद मर्सिडीज को छोड़ देंगे। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन 2025 में फरारी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपनी आगामी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट से एक नई तस्वीर को साझा किया है। पोस्ट को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, टीम ने जॉर्डन में फिल्म की शानदार गाने के शूटिंग शेड्यूल को पूरा किया है। साल 2002 के दर्दनाक गोधरा कांड पर आधारित फिल्म एक्सीडेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी गोधरा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म एक बार 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म फीमेल लीड स्पाई फिल्म में आलिया भट्ट शर्वरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट की माने तो शिव रवेल इस फिल्म में निर्देशन करने वाले हैं। फिल्म जगत में शानदार पारी खेलने के बाद तमिल सुपरस्टार दलपति विजय अब राजनीति में किस्मत आजमाने वाले हैं। दलपति विजय ने चुनावी पारी के लिए तमिलागा वेट्री कजम नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। वर्ष 1986 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धूम मचाती नजर आएगी। देश के 19 शहरों में 43 PVR आईनॉक्स सिनेमा में फिल्म को आज से रिलीज कर दिया गया। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने इस हफ्ते की TRP रिपोर्ट जारी कर दी है। इस सप्ताह की धारावाहिक अनुपमा ने TRP लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं जनक सीरियल ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पछाड़कर टॉप 5 में जगह बनाई। चर्चित अभिनेत्री पूनम पांडे का 32 साल की उम्र में निधन हो गया।
पूनम पांडे काफी समय से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। पूनम के मैनेजर की तरफ से उनके निधन पुष्टि की। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की घोषणा की है। फिल्म 14 जून को रिलीज होगी। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन अभिनीत फिल्म द क्रू की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।